नमस्कार, हमार बिहार में आपका स्वागत है और मैं करिश्मा आपके साथ। खबरों की करेंगे शुरुआत और बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुंगेर के संग्रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने महाने वियर सिंचाई परियोजना का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। उसके बाद सीएम ने तारापुर सिंचाई भवन आईडी के सामने मैदान में कार्यकर्ता के साथ जनसंवाद किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से घूम घूम कर मुलाकात की। और अधिक जानकारी के लिए मुंगेर से हमारे संवाददाता अतर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतर, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुंगेर दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने बीएस सिंचाई परियोजना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्या कुछ अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे और क्या कुछ आगे का कार्यक्रम रहा? देखिए, जैसा नीतीश कुमार ने संग्रामपुर जो सिंचाई का निरीक्षण किया, जो ये जो 1965 से बना जो डैम है उसका जीर्णोद्धार में क्या कैसे कार्य होना है, कैसे इसकी मरम्मती हो, ये सारी बात तो उन्होंने जांच पड़ताल किया। वहाँ से वो बाय रोड तारापुर आए, तारापुर के आईबी मैदान में उन्होंने कार्यकर्ताओं का जनसंवाद किया, स्थानीय समस्याओं को सुधा और जो यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता उन्होंने जो स्थानीय मुद्दे हैं उनसे सीएम को अवगत कराया कि ये समस्या तारापुर विधानसभा में है। तो उन्होंने सीएम ने स्पष्ट में कहा कि जो आप जो कह रहे हैं उसको मैं पहले से बार भी देख चुका हूँ। हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द सिंचाई परियोजना में, चाहे तारापुर की हो या खड़गपुर हो संग्रामपुर की हो, तो सिंचाई परियोजना का हम व्यवस्था कर रहे हैं ताकि किसान अधिक से अधिक सिंचाई का लाभ ले सके। ये जो जनसंवाद है लगातार 2 घंटे तक चला, 2 घंटों के बाद सीएम ने खुद अपना वक्तव्य दिया, कार्यकर्ताओं के सामने बात की, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात हो या शिक्षा की बात हो या सिंचाई, सारे मुद्दों को उन्होंने प्रकाश करके अपने कार्यकर्ताओं को समझाए कि ये काम आगामी होने वाला है। साथ में उन्होंने ये सबसे बड़ी बात कही है कि सारा काम तो हम कर रहे हैं, आने वाले समय में अब जेडीयू को भूलना जाएंगे। जी शुक्रिया, बिल्कुल। अतः तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।